खैर भाई, मैंने अल्लामा साहब को इतना फोर्स किया, उन्होंने कलाम लिख दिया। अब मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा मैं आ जाऊं कलाम लेने का, वो खो गया। आए हाय हाय, मैंने कहा कैसे खो गया? बोला छोड़ो इसको, मैं तुम्हें दूसरा देता हूँ। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है ना। और मेरे भालिद गिरामी जो है वो इंडिया से अपना उनका ताल्लुक था, यानी इंडिया से माइग्रेट करके आप बिल्कुल इधर आए, और हम काठियावाड़ से दिखे हैं, यानी कह सकते हैं जी महाजेर, जी काठियावाड़ी, वो है काड़ी। जब हम आपको नाशी पढ़ते हुए देखते हैं जी, और बिलखुसूस वो आला हजरत के अशआर, जब आप सबसे आला वो आला हमारा, जितनी तेजी से आप पढ़ लेते हैं, मैंने बहुत कम सनाखा देखे हैं कि जो इतना परफेक्शन के साथ इतना तेजी से पढ़ सकते हो। एक तरफ तो आपके पढ़ाई का ये मामला है, और एक तरफ हम देखते हैं कि गुफ्तगू करते हुए कहीं आप लुकनत आपकी ज़बान में रहती है, तो ये आखिर क्या मामला है कि जो बज़ाहिर लुकनत नजर आती है गुफ्तगू में, और पढ़ने में आपका लेवल वो है कि बंदे को मतलब सोच के भी बंदा नहीं पहुंच सकता? कभी ये नहीं हुआ कि मैं किसी मुकाबले में मैंने शिरकत की हो तो मैं फर्स्ट आ गया हूँ, अच्छा, या मैं सेकंड आ गया हूँ, या मैं थर्ड आ गया हूँ, ठीक हो गया ना। मैं सोच रहा हूँ कि आपके जिन मुकाबलों में आप शिरकत करते रहे हैं, जी जी, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए, जी मेरा दिल चाह रहा है मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों से पूछूं किस हाल में इस वक्त क्योंकि हमारे भाई तो माशाल्लाह दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको ऐसे मैसेज आते हैं कि हजरत हमें सपोर्ट कर दें, हमें मतलब आप महफिलों में इंटर करवा दें और फुला महफिल में रखवा दें, इस तरह के आपको मैसेज आते हैं? साहब मुझे आते हैं। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा आते हैं। अच्छा उनको कहो कुछ भेजो आप अपना पढ़ा हुआ, तो वो जब भेजते हैं फिर हम कहते हैं सर हम क्या कर सकते हैं। आप सब ये बताइए, इतनी खूबसूरत आवाज है माशा अल्लाह, तो गले के लिए क्या एहतियात करते हैं आप? साहब मैं तो सारा कुछ खाता हूँ। देख ले आप जो बोल रहे हैं ये सब, फिर सब कुछ खाएंगे और इनके गले का क्या होगा फिर? नहीं 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 देखे ना, हर अच्छा सवाल हो रहा है क्या करते हैं, क्या करनी चाहिए नहीं बता रहे आप? अच्छा किन लोगों से जल्दी तंग आ जाते हैं? तमाम हम्द अल्लाह वादहू ला शरीक के लिए जो हमारा खालिक व मालिक है, करोड़ों दुरूद हों अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर कि जिनके उम्मती होने का हमने शरफ़ पाया है। हुज़ूर की निगाह फैज़ से गौसो रज़ा का दामन हाथों में आया है। नाज़िर कराम हाज़िर महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से एक इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम, एक बहुत मुनफरिद प्रोग्राम IDS मीटअप लेकर आपका मेज़बान मोहम्मद ताहिर कादरी हाजिर खिदमत है। आज के मेहमान के तारुफ से पहले मैं चाहूँगा, भाई अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या वजह है? इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अच्छी अच्छी नीयतों से कर लें, इसलिए कि इसमें सिर्फ अच्छी चीज़ें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जो हमारे दीगर पेजेस हैं दीगर प्लेटफॉर्म्स पे उनको भी फॉलो और लाइक कर लें, ताकि हमारी जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। नाज़रीन कराम, आज का प्रोग्राम स्पेशल है, बल्कि यूं कहिए कि वेरी स्पेशल, क्योंकि हमारे जो सनाखा है ना वो बहुत ही ख़ास है, ज़बरदस्त हैं माशाल्लाह। अगर बात की जाए उनके किरदार की तो एक इंतहाई खुश अकीदा सनाखा है, और बहुत ही मिलनसार हैं, बहुत ही खुश मिजाज हैं, और यकीन माने जब बंदा इनसे मिलता है ना तो फिर इनका हो जाता है अगर वो अपना बनाना चाहे। और ये अक्सर अहले मोहब्बत को बहुत कदर की निगाह से देखते हैं और उन्हें अपना गर्विदा बना लेते हैं। नाज़रीन कराम, अगर उनकी सनाखानी की बात की जाए तो यकीनन आप सनाखानी में अल्हम्दुलिल्लाह एक तवील अरसा हो गया कि आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करने का शर्फ पा रहे हैं। आज से कोई 19-20 साल पहले मेरे बड़े भाई की शादी की महफिल थी, तो हमने उस वक्त इनको दावत दी थी मेहमान सनाखान के तौर पर कि आप तशरीफ लाएं और हमारे बड़े भाई का सेहरा पढ़ें, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये कितने हमारे बड़े भाई हैं, तो खुश इल्हान सनाखान हैं। और जब आप पढ़ते हैं यकीन माने जब ये महफिल में आकर बैठते हैं ना, तो बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले नहीं सुना होता, लाइव नहीं सुना होता, वो शायद अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, लेकिन जब इस सना खां की सदा बुलंद होती है ना, तो फिर उनकी बुलंद आवाज़ भी न जाने कहाँ तक परवास करके आती है। अल्लाह अकबर, बल्कि यूँ कहिए कि आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मदीने का सफ़र करवा देती है। अल्लाह अकबर। मेरी मुराद बहुत ही प्यारे सना खां
मेरा इनसे बहुत देरी ना ताल्लुक है, बहुत प्यार मोहब्बत है, बहुत हमारी एक पुरानी दोस्ती है, और आज मैं कुछ हमारी पुरानी दोस्ती का भी जायज फायदा उठाऊंगा। जी हाँ, हम सबके प्यारे सना खां, बल्कि यूं कहिए कि लेजेंड सना खां, अलहाज हाफिज गुलाम मुस्तफा कादरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आफिज साहब, हम आपको हमारे IDS मीटअप यानी इस प्रोग्राम के अंदर वार्म वेलकम करेंगे और आपको खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, जजाकल्लाह खैर फिदारैन व अहसन जजा। देखिए, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट तो शायद आपकी नॉलेज में हो, फिर भी मैं नाजरीन के लिए बता देता हूँ कि इसमें हम थोड़ी सी मुख्तलिफ गुफ्तगू करते हैं। हम आपकी जो जर्नी है, आपका जो सफ़र है, लेकिन कोई भी बंदा ऐसा नहीं रात को सोया था, गैर मारूफ था, सुबह उठा तो वो पूरी दुनिया में मकबूल हो चुका था, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे एक सफ़र होता है। बाज़ लोगों की ज़्यादा मेहनत होती है, बाज़ लोगों की कम मेहनत होती है, अल्लाह पाक उन पर ज़्यादा करम फरमाता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं मेहनती भी बहुत होते हैं और उन पर करम भी बहुत ज़्यादा होता है। हमारे हाफिज़ साहब भी एक ऐसी शख्सियत हैं कि मेहनत भी आपने बहुत की है और आप पर करम भी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत फरमाया है। इस हवाले से हम बहुत सारी बातें जो आप जानना चाहते हैं, जो आपके जहनों में सवाल हैं, जो आपके दिल में बातें हैं, आज आपके दिल की बातें और हमारे दिल की बातें हम हाफिज साहब से करेंगे। हाफिज साहब, सवाल का आगाज करूं आपकी इजाजत? जी हाफिज साहब बिल्कुल। अच्छा, ये शर्त फरमाइएगा कि बाकायदा सनाखानी करते हुए आपको कितना अर्सा हुआ? हाफिज साहब, एज मेरी इस वक्त हो गई है कोई 38 साल। अल्लाह, और ये आपकी सादगी है, आपने फौरन एज बता दी। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो है बहुत छोटी एज से ही जब अपना जब हिफ्ज़े कुरान का सिलसिला शुरू किया हमने हदरसतुल मदीना में जाकर, जो सब्ज़ मार्केट है अपना, जिसे हम शू मार्केट भी कहते हैं इस वक्त, उसमें तो उधर से ही मेरा आगाज है, असेंबली से। वाह 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 माशाल्लाह, असेंबली से आपका एक शौक बना। जी 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 बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मेरे घर में भी सना खानी जो है वो मेरे वालिदैन भी करते हैं। वाह 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 वाह। तो वो छोटी उम्र से ही जो है अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल 26 साल तो कुछ नहीं, कम से कम हो ही गए होंगे। हाँ बिल्कुल, इतने कम से नहीं साहब माशाल्लाह। और ऊपर स्टेज पर आए हुए तो 20 साल तो हो ही गए। वाह 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 वाह। और जब आप स्टेज पे आए हैं जी, तो फिर आप उस स्टेज से कई मनाजिल आपने तय किए हैं और आज जिस मकाम पर जिस स्टेज पे हैं, यानी ज़ू माइनिज लफ्ज हो गया ना माशाल्लाह, तो अल्लाह ताला ने मतलब फिर बुलंदी का ही सफर हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आगाज से लेकर अब तक आज वो जब मैं आपके सामने हूँ, और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, आपने इतने अच्छे कलिमात से मेरा तारुफ पेश किया है, वो भी उसकी वजह भी ये है कि आप खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही काबिले इज्जत हैं। सारी दुनिया में अल्लाह ताला ने आपको भी एक मकाम अता किया है और सारी दुनिया उससे वाकिफ भी है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ हाफिज साहब के वो जब से लेकर अब तक के जब मैं आपके इस प्रोग्राम में हाजिर हूँ, मैंने कभी भी कुछ सोचा नहीं है कि नाम हो जाएगा, हिट हो जाएंगे, ये हो जाएगा। अल्लाह अकबर। बस हमारा काम है नात पढ़नी है। सुभान अल्लाह सुभान। तो वो असेंबली से नात पढ़ रहे थे, अभी तक नात ही पढ़ रहे। वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि इज्जत देना या किसी भी स्टेज पर आ जाना ये तो अल्लाह ही का फजल है। वाह वाह वाह, ठीक है ना, तो ये अल्लाह के काम है। अल्लाह, वो जिसको चाहे जितनी इज्जत दे दे। यानी यूं कह सकते हैं हम कि फल कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। यानी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत यानी हुजूर की जात मुबारक, बेशक हम उनके नाते पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी यानी कि चर्चा फरमाता है। अल्लाह ताला हमें इखलास की दौलत से मालूम। आमीन। मैं अपने लिए दुआ करता हूँ। ज़ाहिबत आप माशाल्लाह। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। अच्छा, मुल्क और बैरून मुल्क आपके बहुत सारे शागिर्द हमें नजर आते हैं। जी हाफिज, मगर सवाल ये है कि नात खानी में आपका उस्ताद कौन है? अच्छा हाफिज साहब, मेरे वालिद गिरामी जो हैं वो गुजराती हाथें पढ़ते थे, ठीक है, और मेरी वालिदा भी पढ़ती थी, पढ़ती हैं, सही, और मेरी सिस्टर्स भी सारी पढ़ती हैं, अपने सना खां हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें कारिया भी हैं, आलिमा भी हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह। तो नात खानी में सबसे पहले उस्ताद तो मेरे वालिदैन ही हैं। पहले तो वालिदैन हो गए। हाँ पहले, सुभान अल्लाह, ठीक है। उसके बाद फिर जब शू मार्केट से जब हम शिफ्ट हो गए एक दूसरे एरिया में, तो उधर जो है वो अपना अलहाज इमरान शेख अत्तारी,
सुभान अल्लाह। तो आप जो है आप उधर उसी मदरसे में इमरान शेख अत्तारी कादरी, आप भी जो है वो बच्चों को क्लास पढ़ाते थे हाजरा की, ठीक है। तो उसी में जो हमारे आजिम साहब थे उन्होंने उन्हें हुक्म दिया, ये बहुत ही अवाइल की बात है, तो उन्होंने हुक्म दिया कि आप जो है ना इनकी ट्रेनिंग करें। तो उस वक्त जो हदरसतुल अदीना के माँ बहन जो मुकाबले होते थे ना बच्चों जी, के जी, जी, जी। तो उसमें मैंने बहुत शिरकत की है और उसकी सारी तैयारी जो है वो मेरी इमरान शेख अत्तारी जो के मेरे बाकायदा उस्ताद हैं माशा अल्लाह, इसलिए कि उन्होंने 6-7-8 साल मुझ पर मेहनत की है। क्या और एक सेंटेंस उनका मुझे अभी तक याद है, जब मैं उनसे कहता था क्या करना है, हाँ, तो वो कहते थे आवाज खोल के पढ़ो, वाह वाह आवाज खोल के पढ़ो, आवाज खोल के पढ़ो, हाँ आवाज खोल के पढ़ो। तो मैं जब से आवाज खोल के पढ़ रहा हूँ अभी पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। अभी आपने जैसे जिक्र किया कि वालिद साहब गुजराती नाते पढ़ते थे, तो कौन सी कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है? हाफिज साहब हम काठियावाड़ हैं। अच्छा हाँ ठीक है ना, और मेरे वालिद गिरामी जो है वो इंडिया से अपना उनका ताल्लुक था और उनका पूरा ग्रेजुएशन भी इंडिया ही से, इंडिया से माइग्रेट करके आप बिल्कुल इधर आए, ठीक है ना। और हम काठियावाड़ हैं और अपना सिद्दीकी हैं, यानी कह सकते हैं जी माजे, हाँ जी काठियावाड़ी वो माड़ी वो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अच्छा हाफिज साहब पहले बताइए कि हिफ्ज़ कुरान कितने अरसे में आपने मुकम्मल किया, और हमने सुना है कि दरस निज़ामी का भी आपने आगाज कर दिया था। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने हिफ्ज़ कुरान किया हदरसतुल अदीना से, ठीक है ना, और मेरी सनद भी अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही की है हिफ्ज़ की। वाह वाह वाह। फिर उसके बाद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आबिद मुबारक अल हदनी साहब, आपसे जो है वो मैंने इसी सब्ज मार्केट के जामिया में ही मैंने दरस निज़ामी का आगाज किया है। आपसे मैंने 3 साल पढ़ा है, उसके बाद हमारी क्लास शिफ्ट हो गई जामिया फिजान मदीना में, ठीक है ना। उसके बाद मैंने उधर भी कोई 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उधर भी तालीम हासिल की है, तो 5 साल का दरस निज़ामी मैंने किया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या बात है हाफिज साहब, बहुत अच्छे, यानी कि ये तो सीधा सीधा आप नात खानों को पैगाम दे रहे हैं कि भाई इल्म दीन हासिल करना कितना जरूरी। आपने 5 दर्जे पढ़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वाह 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 माशाल्लाह, इसकी बरकतें हमें इसका फैजान नजर आता है। जब आप महफिल के अंदर गुफ्तगू कर रहे होते हैं कलाम कर रहे होते हैं तो पता लग रहा होता है कि ये कोई हादसाती तौर पर नाथा नहीं बने, बचपन से इनको वो तरबियत वो माहौल और वो इल्म से रगबत इनकी नजर आती है आपकी गुफ्तगू में। हाफिज साहब जब आपके पास इल्म होता है ना, और ख़ास तौर पर चूंकि हम नात के शोबे से ही हमारा ताल्लुक है, तो अगर हमारे पास कुरान और हदीस और औलिया कराम के वाक़यात अगर ये हमारे जहन में हो या उसका कुछ कुछ हिस्सा आ रहा हो, तो फिर नात के अशआर जब खुद समझ आना शुरू हो जाए बहुत अच्छे, वाह वाह, तो फिर उसकी अदायगी के बाद खुद उसको अड़ने वाले पर जो उसका इम्पेक्ट आ रहा होता है। एक जगह एक आदमी ने उससे सवाल किया कि यार आप इतने हजारों के क्राउड में आप लोग पढ़ते हैं तो ऐसा कैसे होता है कि ये सब आपके साथ शामिल हो जाते हैं? मैंने कहा यार मुझे ऐसा समझ आता है, मेरी अपनी एक राय है इस पर, मैंने कहा भाई मुझे ऐसा समझ आता है कि आप नाज शरीफ पढ़ते हैं और अगर आप पढ़ते हुए अपनी रूह को ना हिला सके खुद, तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि जितने आए हैं उन पर मेरी किसी बात का असर होगा? हा, 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 हा। तो सबसे पहले तो अपनी बात बंदा खुद महसूस करे कि मैं कह क्या रहा हूं, महसूस करे मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत अच्छे क्या कर रहा हूं, और ये महसूस जब होगा तो जब इल्म होगा। जैसे आपने कहा क्या कि कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, अब वो सामने हस्ती आ रही हैं, उनका जिक्र आ रहा है, उनकी शानें आ रही हैं, उनकी सुभान अल्लाह बेशक उनकी सीरत, उनकी जो सारी जिंदगी दीन की खिदमत है बेशक, बोल बाले मेरी सरकार, बोल बाले मेरी सरकारों के। आम तौर पर बंदा ये बात करे तो एक अलग कैफियत, और जब इन हस्तियों के बारे में तारुफ हो जानता हो जो हमारे लिए रोल मॉडल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुभान अल्लाह। तो मेरा मैं इसमें ये भी एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी सनाखा है अगर वो पहले ज्यादा अपने अंदर शौक इस बात का पैदा कर लें कि यार हमने इल्म सीखना है,
सुनना है, उसे समझना भी है। बहुत अच्छे, बहुत फिर अच्छे। उसके बाद मैं सही अर्ज कर रहा हूँ, उनको क्या मजा आएगा नाज शरीफ पढ़ने का। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जो हरम शरीफ अहीं गया होता वो तरस रहा होता है, और जो देख कर आ जाता है वो तड़प रहा होता है। क्या कहने वाह 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 वाह, अपना ठीक है ना, बजा फरमाया आपने। तो ऐसे ही एक बगैर किसी बात के हम ऐसे ही शुरू हो जाते हैं, वो एक अलग उसका आएगा ज़ोक या पता नहीं क्या होगा। और एक जब जान कर जब आप पढ़ते हैं ना, एक एक बात की मार्फत जब हासिल हो जाए, मार्फत हासिल हो जाए कि यार मैं क्या कह रहा हूँ, जिंदाबाद। फिर जब वो आपको असर करेगी ना, वो सबको करेगी। वाह वाह, सलामत रहिए। आप ये बताइएगा कि फैमिली में कितने अहबाब हैं? आप सब तीन भाई हैं, तीन हम अहने हैं। आलिद गिरामी का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला गरीब रहमत फरमाए, आमीन। और अम्मी हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और सलामत, बच्चे आपके माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तीन हैं, हसन हुसैन फातिमा। अरे वाह वाह वाह, सुन लें दुनिया वालों, सुन लो, एक सना खान ने अपने बच्चों के नाम क्या रखे हैं हुजूर, फिर से बता दें। हसन हुसैन फातिमा, क्या कहने। फातिमा मेरी सबसे बड़ी बेटी है, माशाल्लाह। उसके बाद हसन है, उसके बाद हुसैन। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मोहब्बत है एक अत्तारी की अहले बैत अतहार से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो सिद्दीकी कैसे होगा जो अहले बैत का गुलाम ना हो? जी सिद्दीकी, सुभान अल्लाह, निस्बत ही आपकी सिद्दीकी है। अल्हम्दुलिल्लाह वाह जिंदाबाद, तो सिद्दीकी है ही वही कि जिसको अहले बैत अतहार से प्यार हो। बेशक, सलामत रहिए, सलामत रहिए। अभी सब ज़हीन तो आप बहुत हैं, तो हमें पता है। अल्लाह, तो कोई बिजनेस वगैरह भी करते हैं? जी आप सब, हमारा एक इदारा है पूरे कौसल एंड ट्रेवल, ठीक है, ठीक है ना, उसमें हज उमरा और ज़ियारत और अपना अराउंड द वर्ल्ड अपना जो ट्रेवलिंग लोग जो करते हैं उसकी टिकटिंग है। इसके अलावा उसी ऑफिस से रिलेटेड अपना वो जितने भी काम आते हैं जो ट्रेवल से जो अपना वो जो, तो आपकी खुद भी वर्किंग रहती है गाहे बगाहे के नहीं कम? मेरी होता है वो थोड़ा बहुत ही कंट्रीब्यूशन बरकत के लिए होता है। हाँ, असल में ना इन्होंने वो मुझे दुआ के लिए रखा है। इन्होंने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इन्होंने कहा भाई तुम आओ ना, बस दुआ कर दिया होगा। सुभान अल्लाह, कहीं और से दुआ के लिए अगर कोई बंदा मांगे तो आप फकीर का नाम दे सकते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह तो बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह। जी हाफिज सर, अल्लाह ताला आपको, ये भी माँ की दुआ है। बेशक माँ की दुआ है कि अल्लाह ताला ने इतना रिस्क आसान फरमा दिया। बेशक अल्लाह ताला मजीद आपके दरवाजे खोले, आमीन। अच्छा, आपकी जो पावर स्किल्स है जी, उसमें मुझे आपका कॉन्फिडेंस बहुत मुतासिर करता है। ठीक है, तो एक कामयाब शख्सियत के लिए कितना अहम है? हाफिज साहब, कॉन्फिडेंस के बगैर तो बंदा कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पे एक आदमी सब कुछ अपना जानता भी है, उसे पढ़ना भी आता है, उसे बोलना भी आता है, उसके पास इल्म भी है, पर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सब कुछ हासिल करके भी वो जहां पे उसका इस्तेमाल करना था, बहुत अच्छे, ठीक है, वाह वाह वाह। तो कॉन्फिडेंस जो एवल है, मैं ये समझता हूँ ये तो फैमिली से ही बिल्ट अप होता है। अभी आपका शहजादा है छोटा, मैंने उसके काफी कलाम सुने, हमजा, और उसके एक हमजा, एक हमजा है, हाँ ठीक है ना। तो अब आप ये देखें ना, इतनी सी उम्र में उनका कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड किया है कि आप नाद भी पढ़ सकते हैं, आप स्टूडियो में जाके माइक के सामने भी खड़े हो सकते हैं, उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप वीडियो में आके वीडियो भी शूट करा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि छोटी उम्र से ही वालिदैन को ये चाहिए कि वो अपने बच्चों का उसको बिल्टअप करें। यानी यूं कह सकते हैं हाफिज साहब के कुछ लोगों में गॉड गिफ्टेड वो होता तो है, बट उसको मजीद ग्रूम किया जाए। हाफिज साहब उसके अंदर जो है ना अपना उस बात को जगाना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है जी, वो जगाना जिम्मेदारी है वालिदैन की, वालिदैन की, असातिज़ा की। अब ये देखा जाएगा कि वो अच्छी चीजों में ज्यादा जगाते हैं या उनकी बुराइयों में उनको ज्यादा हौसला अफजाई करते हैं, ये भी डिपेंड करता है वालिदैन। बिल्कुल करता है। अब आप देखिए ना, जो मैंने आगाज में जिक्र किया कि मैंने इतने मुकाबलों में शिरकत की है, तो उसमें जीता मैंने एक भी नहीं है। कभी ये नहीं हुआ कि मैं किसी मुकाबले में मैंने शिरकत की हो तो मैं फर्स्ट आ गया हूँ, अच्छा, या मैं सेकंड आ गया हूँ, या मैं थर्ड आ गया हूँ, अपना ठीक हो गया ना। ओहो, सारी सारी रात भी मेरी तैयारी मेरे उस्तादों ने करवाई है उस एज में। मैं सोच रहा हूँ कि आपके जिन मुकाबलों में आप शिरकत करते रहे हैं, जी जी, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए, जी मेरा दिल चाह रहा है मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों से पूछूं किस हाल में इस वक्त, क्योंकि हमारे भाई तो माशाल्लाह दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आफिस साहब, असल हुकूमत तो है दिलों की।
है तो वो है, और वो जो है ना ये दिलों की हुकूमत और लोगों का आपसे एक दिल से प्यार, ये मशहूर होने की वजह से नहीं मिलता जी, ये इज्जत वाला होना तब मिलता है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। न्यू जनरेशन जितनी आई हुई है ना सनाखानी में, बड़ी जल्दी पड़ी है भाई सबको। मुझे उनका भी नहीं कंटेंट समझ आ रहा, पता नहीं वो किस अपना वो दौड़ में लगे। अच्छा भाई क्या है, बस कुछ ऐसा हो जाए हम मशहूर हो जाए, मशहूर हो जाए। मैंने कहा कुछ ऐसा कर लो कि तुम इज्जतदार हो जाओ। अरे वाह 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 वाह। अच्छा इज्जतदार होने के लिए सौदा अल्लाह से करना पड़ता है। हाफिज साहब देखिए, हमारा हमारे जिम्मे है, अगर अल्लाह ने आवाज दी है हम पढ़े अपना, ठीक है ना। आपको अल्लाह पाक ने एक सलाहियत दी, आपने इतना अच्छा स्टूडियो कायम किया, आज इतना अच्छा आपने प्रोग्राम किया है, ये आपका काम है, ठीक है ना। इसको चलाना और इसको आगे मंजिल तक लेकर जाना, ये अल्लाह का काम है। अल्लाहू अकबर। हम अपना काम करेंगे। बहुत अच्छे, वाह वाह। हम अपना काम करेंगे अपना, ठीक है ना। उसके बाद हम कुदरत के फैसले का इंतजार करेंगे। बंदा मतलब मेहनत करे, मेहनत एफर्ट करे और अपने काम से मुखलिस हो, अपने काम से मुखलिस। बहुत अच्छा, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्यार। तो हमारा काम है कि जो भी सलाहियत अल्लाह ताला ने हमें दी है, अच्छी आवाज भी दी है ना, आप बस नाज शरीफ पढ़ते रहें, जब टाइम आएगा इंशाल्लाह इज्जत क्यों नहीं मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा कर दे, का जिक्र करे। नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं आप जी। वाह वाह वाह। मैंने बुजुर्ग से ये सुना, उन्होंने फरमाया गुलाम मुस्तफा, अल्लाह अपने महबूबों के सर किसी का कर्जा नहीं रखता। अगर आप अल्लाह के महबूबों का जिक्र करेंगे, अब आपको इज्जत चाहिए ना, अल्लाह आपको इज्जत देगा। आपको शोहरत चाहिए ना, अल्लाह आपको शोहरत देगा। आपको दौलत चाहिए ना, अल्लाह आपको दौलत देगा, क्योंकि ये अल्लाह के महबूब हैं। जो उनका जिक्र करता है वो भी अल्लाह को प्यारा लगता है। अल्लाह अकबर। तो तमाम सनाखां जो आ रहे हैं अभी, या जिनको ये ख्वाहिश है, अच्छी बात है, ख्वाहिश होनी चाहिए, बहुत अच्छा। आप ख्वाहिश को जरूर अपनी अपने इस ख्वाहिश को जिंदा रखें, ठीक है ना। मशहूर होने की नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें, नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें, इखलास से सनाखां करें बस। भाई सुबह शाम नाक पढ़ो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज साहब एक बड़ा खास सवाल मैं करने लगा हूँ कि जब हम आपको नाशी पढ़ते हुए देखते हैं जी, और बिलखसूस वो आला हजरत के अशआर, जब आप सबसे आला वो आला हमारा, जितनी तेजी से आप पढ़ लेते हैं, मैंने बहुत कम सनाखां देखे हैं कि जो इतना परफेक्शन के साथ इतना तेजी से पढ़ सकते हो। एक तरफ तो आपके पढ़ाई का ये मामला है, और एक तरफ हम देखते हैं कि गुफ्तगू करते हुए कहीं आप लुकनत आपकी जबान में रहती है, तो ये आखिर क्या मामला है कि जो बज़ाहिर लुकनत नजर आती है गुफ्तगू में, और पढ़ने में आपका लेवल वो है कि बंदे को मतलब सोच के भी बंदा नहीं पहुंच सकता, मेहनत करके भी वहां टच नहीं कर पाता जी। ये क्या कहेंगे आप, ये क्या बातें हैं ये? आफिस साहब, असल में मेरी जबान जो है ना वो स्टेट है नहीं, पेस्ट हुई हुई। अच्छा, यानी यूं है मेरी जबान, ऐसे समझ लें आप, इसलिए आप इतना खूबसूरत पढ़ते हैं। ये अल्लाह की अल्लाह का फजल है माशाल्लाह। तो जब मेरा ऑपरेट हुआ था ना जी, आपने भी उस अपना हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, खारादर जी, मासूमी, ठीक ठीक है। उस हॉस्पिटल में मेरा ये ऑपरेट हुआ था, तो डॉक्टर ने कहा था ये तो बोलेगा ही नहीं, इसलिए कि मेरी जबान के जो ना अपना वो आधे हिस्से में तकसीम हो गई थी, टुकड़ा हो गया। अच्छा, बोलेगा ही नहीं ये कहा था उन्होंने, कहा ये नहीं बोलेगा। तो फिर खैर, फिर वो एक अलग एक पूरी एक दास्तान है, ठीक है। वो अपना वो ऑपरेट हो गया, फिर उसके बाद उन्होंने जबान भी अपना स्टिच की, फिर उसके बाद होंठों से सी दिया। अल्लाह अकबर। ऐसे ना जबान का 6 महीने जबान मेरी ऐसी ही रही। अल्लाह। फिर उसके बाद मेरी अम्मी काफ़ी परेशान हो गई, इसलिए कि मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि इसको तो हाफिज़ बनाना है, और उसके लिए बोलना पड़ेगा, इसको अपना वो इल्मे दीन सिखाना है। तो फिर अपना वो कौसर अपू अहमदुल्लाह ताला ने अरगाह में हाजिर हुई, सुभान अल्लाह। और उनसे अर्ज की कि ये मेरा बेटा है, अपना डॉक्टर ने कहा है कि ये बोल नहीं सकेगा। तो आपने फरमाया अच्छा, ये कौसर बाबू की जाहिरी हयात में। जी जी जी, बिल्कुल जाहिरी हयात। तो आपने फरमाया अच्छा, इसको इधर लाओ। फिर आपने अपनी अपना वो गोद में मुझे बिठाया, और आपके ना इधर से एक राड़
जो आपकी जो हैती बहरे होती थी उसको आपने लिया और मेरे मुंह में डाला अपना कोसर बापोल और फरमाया जब ये बोलेगा वो तो दुनिया सुनेगी। क्या कहने हैं सुभान अल्लाह। वगर ना जो है ना हाफिज साहब इतना चिड़ियों का पानी पिलाया मेरी माँ ने मुझे। वो जो दरवानी है मीरा माँ का अपने जी 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 ना होल एरिया में मीरा माँ चिड़ियों का पानी तो ये डॉक्टर तो वो डॉक्टर तो ये पीर तो ये फकीर तो ये दुआ तो वो दुआ अल्लाह हर जब एक अल्लाह के भली ने फरमाया था सुभान अल्लाह तो असल में ये उनकी दुआ है। वाह वाह। इसलिए मैं बोलने में जो है ना वो मुझे काफी दिक्कत होती है मैं आपको सही बता रहा हूँ बल्कि बार दफा ऐसा होता है हाफिज साहब मैं ना मैं इस टाइप के जो इंटरव्यूज होते हैं ना कि जिसमें सिर्फ बोलना हो मैं अक्सर उससे जान ही छुड़ाता इसलिए लेकिन हमने आपकी जान छोड़नी नहीं थी। नहीं 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 और अपना मैं भी आपकी जान नहीं छोड़ूंगा अल्लाह। इसलिए हाफिज साहब मुझे ना बार दफा बोलने में इतनी तकलीफ आ जाती है कि एक हफ्ज अटक जाता है वो आता ही नहीं अल्लाह। पर जब नाज शरीफ की बात आती है माशाल्लाह अल्लाह मजीद फजीद वो फिर सुभान अल्लाह तो जो आपने बात की ना आंखें इतनी स्पीड में माशाल्लाह तो घेराबंदी जो हो जाती है आपकी आपका खासा हाफिज साहब ये माशाल्लाह। तो बस ये सारा ये जितना करम है ना ये सादात का है अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ताला हमें हमेशा आमीन मुर्शिदी अत्तार के सदके सादात का बाअदब रखे आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। हमें नाज है कि हम सादात के बाअदब हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और हमारा वास्ता ही खुश अकीदा सादात से रहता है बेशक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा हाफिज साहब एक बहुत मुनफरिद सवाल है ये भी कि दौरे हाजिर में सोशल मीडिया का बड़ा अहम रोल है बिल्कुल चंद मिनटों में पैगाम बहुत दूर तक पहुंच जाता है आपका इस पर कितना बिलीव है क्योंकि मैंने आपको ये सोशल मीडिया और इस पर मैंने आपको इतना टाइम लगाते हुए नहीं देखा कभी भी। हाफिज साहब इसका एक जवाब तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मुझे वो जिस भी काम में कंटिन्यू बोलना हो सही ठीक हो गया ठीक हो गया मुझे उसमें दिक्कत है ठीक हो गया उसमें मुझे प्रॉब्लम होती है तो एक तो ये हो गई वजह। अच्छा दूसरा ये है कि मेरा दिल ना इस तरफ माइल हुआ नहीं ज्यादा ठीक है मुझे ज्यादा शौक है कि बस रोज अपना हुजूर की सनाखानी कर माशाल्लाह माशाल्लाह अब वो स्टेज हो मस्जिद हो छत हो अपना घर हो बस सनाखानी। तो आप ऐसा बात तो ये है ना कि जहाँ इस दौर में लोगों की वीडियो सोशल मीडिया के जरिए पहुंचती है वहाँ हाफिज साहब खुद पहुंच रहे हैं पूरी दुनिया में तो अपने को सोशल मीडिया को क्या करना है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको जवाल नेमत से बचाए आमीन आपके सदके मेरे हक में भी दुआ कबूल फरमाए आमीन। थोड़ा पीछे जाते हैं जी हाफिज आपका वो कलाम 12वीं का चांद आया बच्चे बच्चे की जबान पर बहुत उरूज मिला क्या हम कह सकते हैं कि ये कलाम आपकी पहचान बना बिल्कुल कह सकते हैं। और मैं आपको एक और अर्ज करूं हाफिज साहब हम गए अजमेर शरीफ अजमेर शरीफ में ये बात है उसी साल की बात है हर्रमुल हराम की तो अजमेर शरीफ में मैंने सरकार गरीब नवाज अदी अल्लाह तआला की बारगाह में अर्जी लगाई कि आप हैं गरीब नवाज और मैं हूँ गरीब बहुत अच्छे और अब मैं आ गया हूँ आपके कदमों में अब जो है ना मुझे एक कलाम अता कर दें सुभान अल्लाह कि जिससे मेरी पहचान हो जाए। ये मैंने अर्जी लगाई है हर्रमुल हराम में उधर से हम आए हैं रिटर्न तो सफर माशाल्लाह मुजफ्फर का महीना आ गया था और मेरे दिमाग के अंदर ना ये जुमला था 12वीं का चांद आया 12वीं का चांद आया मैंने अल्लामा उजागर साहब को फोन किया आपको पता है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी माशाल्लाह ठीक है ना मैंने कहा अल्लामा साहब ये कलाम आप ना इस पे एक पूरा कलाम लिख दे उन्होंने कहा ये कौन सी लतीफ बोला मैं तुम्हें एक मैं दूसरा देता हूँ अरे मैंने कहा अल्लामा साहब मेरे दिमाग में अटक गई ये बात हाँ इसी पे लिखे मैंने कहा इसी पे लिखो अल्लामा साहब ने मुझे काफी कन्वेंस किया कि आप ये छोड़ दो बट मैं नहीं हुआ पर मैं हुआ नहीं बहुत अच्छे इसलिए कि मैंने अर्जी लगाई थी गरीब नवाज सरकार पे वाह 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 और जब मैं उधर से रिटर्न हुआ तो ये जुमला दिमाग में खुद ब खुद अपना वो घूमने लगा सुभान अल्लाह। खैर भाई मैंने अल्लामा साहब को इतना फोर्स किया उन्होंने कलाम लिख दिया अब मैंने इनको फोन किया मैंने कहा मैं आ जाऊं कलाम लेने कहा वो खो गया खो गया खो गया हाय 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 मैंने कहा कैसे खो गया बोला छोड़ो इसको मैं तुम्हें दूसरा देता हूँ मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा मैंने कहा आप एक काम करें दोबारा लिखें अब उन्होंने दोबारा लिखा ठीक हो गया हाफिज साहब फिर वो जिस दिन एडिट रिकॉर्डिंग थी उस दिन आ गया बुखार
और उस वक्त स्टूडियो इतना बिजी होता था अपना ऑडियो स्टूडियो, तो अपना उन्होंने कहा नहीं आज ही कराओ, मैं उधर चला गया। अब मैं माइक पे खड़ा हो गया, उन्होंने कहा पढ़ो, तो कोई तर्ज ही नहीं, क्या पढ़ूं, एक तो बुखार भी था ऊपर से तर्ज भी कुछ आई थी। खैर लेकिन करम था, गरीब नवाज था, करम था। मैंने कहा चलें आप शुरू तो करें। खैर वो शुरू किया हाफिज साहब, वल्ला बिल्ला तल्ला लिल्ला, जो उस वक्त जबान पे आया मैंने पढ़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो ये था बारहवीं का चांद, इसी को तो करम कहते हैं हाफिज साहब। तो यही करम, ये आपने जो बात बताया ना, कलाम खो गया और उस दिन बुखार आ गया, स्टूडियो बिजी था, मैं भी आपको छोटी सी बात जहन में आई है। जी जी हाफिज साहब जरूर, वरना हमारी जो शख्सियत होती है बातें उसी की होती है, लेकिन अब बात निकल आई है तुम्हें। आप हमारे लिए शख्सियत है, अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। लब्बाई का या रसूल हाफिज साहब कलाम के साथ भी यही, सुभान अल्लाह सुभान। मैंने रिकॉर्ड करवाया जी, और रिकॉर्ड करवा के मैं उसकी मिक्सिंग हुई ना, मैं मुतमईन नहीं था ठीक, तो मैं एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो वाले से बात करके वहां ले जाने लगा, तो रास्ते में जिनके जरिए मैंने भेजा था ना उनसे हार्ड ड्राइव गिर गई, और आपको पता है हार्ड ड्राइव जब गिर जाए तो बचता कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो हार्ड ड्राइव लेके पहुंचा ना, तो भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है, फिर डेटा रिकवर करवाया, फिर डेटा रिकवर करवा के दोबारा पहुंचा उस स्टूडियो, तो पता लगा कि वो आवाज जो मैंने जिस टेम्पो में मैंने पढ़ा था ना वो फास्ट हो चुका है, भाग रही आवाज ठीक हो गया। तो फिर इसके बाद दोबारा एक और जगह उन्होंने भेजा मुझे, जिन्होंने मिक्स करना था बाद में, वहां गया उन्होंने उसको रिकवर किया, उसको सेट किया, फिर एंड में जाके ये अल्लाह पाक के करम से ये मिक्स होकर आया था, और फिर माशाल्लाह लबाई गया। तो वाकई वो कहते हैं ना कि बंदे को जल्दी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हौसला रखना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, और अपनी मेहनत, आपने कहा ना अपनी मेहनत अपनी बंदा पूरी करे, काम से मुखलिस रहे, और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दे, बिल्कुल अल्लाह पर छोड़, तो आप देख लें कि ये फिर नताइज निकलते हैं माशाल्लाह। अबे साहब आप ये देखें ना, ये कलाम आपका लब्बैक या रसूल अल्लाह, ठीक है ना, आज तो खैर हर अपना सुन्नी की जबान पर ये आ रहा है और ये तराना है। मैं ये समझता हूँ हाफिज साहब के एक कलाम का ऐसा मिल जाना ये अल्लाह ही का फजल है। वाह 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 वल्लाह, वरना आप ये देखें ना, आप इतने कलाम हम करते हैं। अच्छा उस वक्त ये जो सीडीज आती थी उसमें होते थे 10-10 कलाम, ऐसा ही है अपना, ठीक है ना। तो अगर 10 सीडी भी हो गई तो 100 कलाम, ठीक है। आपने भी हज़ारों कलाम पढ़े हैं अब तक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इतने साल हो गए आपको, पर एक कलाम ऐसा होता है अल्लाह अकबर आपके, हाँ वो पुराना होता है ना, लोगों की समाज उससे थकती है। अल्लाह अकबर, वो जब भी पढ़ो वो तरोताजा ही होता है। सुभान अल्लाह, इसी को कहते हैं हादा मिन फदली रब्बी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत आपने बिल्कुल जबरदस्त बात कही। अच्छा किन शौरा के कलाम ज्यादा पसंद है? अब मैं थोड़ा सा रैपिड। जी जी हाजी साहब, किन शौरा के कलाम ज्यादा पढ़ना आपको अच्छा लगता है? आला हजरत, आला हजरत खानवादा, आला खानवादा आला हजरत। सुभान अल्लाह। अच्छा मौलाना जमीलुर रहमान अहमदुर्रहमान, उसके बाद इकबाल अजीम को मैंने बहुत पढ़ा। अच्छा अपना वो जैसे अब तो बस एक ही धुन है, ठीक है ना। इसके अलावा भी और भी कलाम है इकबाल अजीम के जो मैंने काफ़ी पढ़े हैं। सही। और अपना अदीब रायपुरी अहमदुल्लाह ताला अलैह, और हमारे इस दौर में ख़ास तौर पर 15-16 साल में, और अकीदे के लिहाज से भी अपना वो जिन्होंने अपनी शायरी में हिजाज अहले सुन्नत का ख्याल करते हुए जिन्होंने शायरी की, वो हमारे शहर के मशहूर आलिम दीन हज़रत अल्लामा हिसार अली उजागर साहब, कोई शक नहीं है इसमें। हाँ आपके कलाम तो आपने भी काफ़ी पढ़े और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी काफ़ी। अब देखें बात घूम के उधर ही आ गई, जब हाथ खां भी अगर इल्म अख्ता होगा तो गलती तो होगी, इंसान है, पर अपना उसका शायबा कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर शायर भी आलिम दीन हो, वाह वाह, वो कुरान भी जानता हो माशाल्लाह माशाल्लाह, वो अहादीस भी जानता हो, वो शायरी के उसलूब भी जानता हो, सुभान अल्लाह, तो फिर इसका भी शायबा बहुत कम है कि उसके कलम से गलती हो। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा हाफिज साहब, ये हमारे सवाल तो एक चल रहे थे एक रूटीन वाले जी, अब इशारे में आपको दूंगा, 3 इशारे होंगे ठीक है, और आपने जो मेरी मकसूद जो चीज़ है या शख्सियत है आपने उसको जानना है जी। तो पहले सवाल के शुरू के पहले सवाल के 3 इशारे मैं आपको दे रहा हूँ। ख्वाब लाहौर, डॉक्टर। ख्वाब लाहौर, डॉक्टर।
इसमें से अब एक चीज चूज करनी है। नहीं, इसमें आपको बताना कि मेरी मुराद क्या है। अच्छा, डॉक्टर अल्लामा इकबाल। डॉक्टर अल्लामा इकबाल, आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अच्छा, आप तीन इशारे फिर बताऊंगा, आपने जो मकसूद है मेरा वो आपने बताना है। जी, किताब, तबलीग, सुन्नतें। वाह 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 वाह, सुन्नतों की आलमगीर गैर सियासी तहरीक। हाँ। इस्लामी। फिर गौर कर लें। अच्छा, दोबारा कहें। किताब, तबलीग, सुन्नतें। किताब, तबलीग, सुन्नत, फिजान सुन्नत। जवाब दुरुस्त है, जजाकल्ला। अच्छा, तीन इशारे फिर दे रहा हूं मैं आपको। मक्का पाक। जी। कब्रिस्तान। माँ। जन्नतुल बकी शरीफ। मक्का पाक, मक्का पाक, कब्रिस्तान, माँ, जन्नतुल माला शरीफ। फिर इसमें माँ रह जाएगा ना, माँ भी तो कोई इशारा है ना। अच्छा अच्छा, अपना दोबारा कीजिएगा। मक्का पाक, कब्रिस्तान। मक्का पाक, कब्रिस्तान, माँ, 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 माँ भी कोई आम नहीं, माँ, सईदा खतीजा। अल्लाह है, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये हमने खुद ही तरतीब दी है। नहीं नहीं, बहुत अच्छे इशारे, ठीक है ना आप, मतलब नहीं आसान भी है। कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये तो इशारा ही सही नहीं दे रहे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही इशारे। अब करीब के है, करीब करीब के ना, करीब के इशारे। यानी जवाब गलत होता है ना तो कोई एक इशारा रह जाता है कि यार ये इशारा फिर क्यों है। हाँ, बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब आखिरी है, मदीना पाक, मदीना पाक, उमरा, नफिल। मस्जिद कुबा। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, जबरदस्त। मस्जिद कुबा में जिसने दो रकात नफिल पढ़े उसको मकबूल उम्रे का सवाब है, सुभान अल्लाह। चलें, हाफिज साहब ये बताइए, इतनी खूबसूरत आवाज है माशा अल्लाह, तो गले के लिए क्या एहतियात करते हैं आप? हाफिज साहब, मैं तो सारा कुछ खाता हूँ। देख लें आप जो बोल रहे हैं ये सब, फिर सब सब कुछ खाएंगे और इनके गले का क्या होगा फिर? नहीं नहीं नहीं, देखे ना हर। अच्छा, सवाल हो रहा है क्या करते हैं। हाँ। क्या करनी चाहिए नहीं बता रहे आप? नहीं, नहीं। अच्छा है। मैं अभी अपना बता रहा हूँ, मैं तो दो टाइम चावल खाता हूँ। चावल तो सर हमारी भी कमजोरी है, ठीक है ना, पर मैं ठंडा नहीं पीता। सही। मैं कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा है अपना, ठीक है ना। इसलिए कि तवक्कल भी जो है वो एहतियात के बाद ही है, ऐसा नहीं कि हम सब कुछ करें और कहें बस अल्लाह तवक्कल है, ये नहीं है हमारी तालीम, ठीक है ना। सही। वो जैसे हम बीमार होते हैं, हाँ, तो हम फौरन से ये नहीं करते, हाँ कि भाई ठीक है मेरा तवक्कल अल्लाह पे, अल्लाह पाक ठीक कर देगा, दवाई लेते हैं फिर तवक्कल करते हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो इसी तरीके से एहतियातें जो हैं वो, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, अब इसमें ना सबके अपने अपने अपना एक गले के क्वार्स हैं हर, और फिर सबके डिफरेंट डिफरेंट हैं, भाई किसी की बॉडी को क्या इफेक्ट करता है, किसी को क्या करता है। तो हमारा तो ये हिसाब हो गया भाई, अकड़ भी हजम और पत्थर भी हजम। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ठीक है ना आपके साथ। पर मैं ठंडे से परहेज करता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, इसलिए कि सबसे बड़ा अजीफा आज मैं बता रहा हूँ सबको, सारी दुनिया को। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो लोग हमारे लिए सोच रहे हैं ना कि भाई हमारी आवाज क्यों इतनी अच्छी है, मैं सही बता रहा हूँ, आवाज अच्छी होती है हुजूर का जिक्र करने से। आप वो करें, आवाज इंशाल्लाह खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। इस पे एक शेर भी है, आवाज का ये हुस्न तो दिन चार रहेगा, आंसू ये मेरे नात सुनाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, आपने सिर्फ नात खां का नाम बताना है। जी, तीन सवाल हैं, तो मर्जी आपकी, आप तीनों में अलग नाम बताएं नात खां का, ठीक है, तीनों में एक ही बता दें, आपकी मर्जी है। तबीयतन कौन सा नात खां अच्छा लगता है? हाफिज साहब, ये मेरे लिए तो काफी मुश्किल है सवाल। सर मुश्किल आसान आपको पता है, हसीन इम्तिजाज है, आइडियाज मेड अप। अल्लाह अकबर। अच्छा, और तबीयतन? हाँ, तबीयतन, तबीयत के लिहाज से जी जी जी, कौन सा नात खां अच्छा लगता है? अलहाज हिजवान कादरी। किस नात खां को सुनना पसंद करते हैं? भाई हम साजिद कादरी। सफर का किस नात खां के साथ मजा आता है? अलहाज साजिद कादरी। निमड़ गए सवाल हमारे, निमड़ गए अल्हम्दुलिल्लाह।
जिंदगी का कोई खुशगवार वाकया जो आप हमारे नाज़रीन को सुनाना चाहें? मेरे पास तो इतने सारे हैं कि अपने को तीन चार अपना ये हीटअप करने पड़ेंगे। अच्छा, एक ऐसा सुना दे कि इनको तीसरे और चौथे मीटअप का भी इंतजार रहे। अच्छा, वाह 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 वाह, खुशगवार वाकयात तो मेरे साथ कोई जहन में हो तो नहीं, तो कोई ऐसा वो है हाफिज साहब कोई इस वक्त जहन में हो आप सुनना चाहें तो? अच्छा, एक दफा ना मेरा सफर हज था, सबसे पहला पहला हज। अच्छा, उसमें ये हुआ कि मैं था पाकिस्तान से बाहर, इंडिया में ही था। इंडिया से जब मैं आया ना तो हमारा पूरा काफिला चला गया। अब मुझे हज का आइडिया था नहीं, सही, उस सफर का, सफर हज का। तो हमारे जो ग्रुप के लीडर थे उन्होंने कहा तुम एयरपोर्ट पहुंचोगे ना तुम्हें अरबी लेने आएंगे। अच्छा, मेरे दिमाग में आया ही नहीं उस वक्त। मैंने कहा ठीक हो गया भाई, मैंने कहा यार देख लो, क्योंकि मैंने सुना है कि भाई हज में खाली ग्रुप के साथ ही जाते हैं और बड़ा ऐसा होता है और इतना अपना अपना एक सफ़र है ये। उन्होंने कहा नहीं नहीं परेशान ना हो। अच्छा खैर आप साहब, हम एहराम पहन कर जो है ना हम चले गए हज टर्मिनल एहराम बांध के। अच्छा, ये तो अच्छा बात, ये तो मैंने की नहीं थी। एहराम बांध के हम चले गए, आठ अपना घंटे हम रुके रहे, भाई सीट नहीं मिली। इन्होंने कहा भाई आज वापिस जाओ कल लाना, इसलिए मैं तो अकेला था, ग्रुप तो चला गया था। अगले दिन खैर भाई फ्लाइट हो गई, मैं चला गया। अब मैं जद्दा एयरपोर्ट पे उतर गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा भाई इतना बड़ा एयरपोर्ट, हाजी हाजी उतरा हुआ ना एहराम में, और मैं अकेला था। इतनी देर हो गई ना वो आ रहे हैं ना मुझे किसी बस में बिठा रहे हैं। मैंने फोन किया ग्रुप लीडर को, मैंने कहा भाई जान मैं अकेला हूँ, मैं पहली दफा आया हूँ। उस वक्त उम्र भी छोटी थी हेरी ना, कोई 21-22 साल की उम्र थी। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा यार इधर ना आप लोग हो ना कोई बंदा है। उन्होंने कहा अरबी कहाँ है? मैंने कहा सारे ही अरबी हैं। तो कहा मैंने यही तो कहा था अरबी आएंगे लेने के। अरे मैंने कहा खुदा के बंदो, मैंने कहा सऊदी अरब है तो सारे आदमी अरबी है, अल्लाह मुझे कौन लेने आया है। उन्होंने कहा भाई इधर कोई किसी को लेने नहीं आता, अल्लाह अकबर, आप इंतजार करो आपकी गाड़ी आएगी फिर उसमें बैठना है, फिर उसमें बैठ के आ जाना होटल, अल्लाह अकबर। तो आप साहब ये था एक अरबी आपको मतलब वो याद रह गया है? वो मुझे याद, अल्लाह अकबर, रह गया कि भाई अरबी आएंगे लेने, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। अल्लाह ताला बार बार हमें सफर हरम तो ये आमीन, आमीन, तो ये आपने तो कई सफर हज भी किए हैं, उसके बाद तो कंटिन्यू आप कई साल आप माशाल्लाह जाते रहे। आफिस साहब मैं तहदी से नेमत के लिए अर्ज़ कर देता हूँ, अल्लाह जानता है नियत किधर की है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 16 हज किए तवातुर से, माशाल्लाह तवातुर से 16 हज, माशाल्लाह रब्बिल आलमीन, वाह 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 वाह, ठीक है। और सारे हज मेरा एक भी हज ना मैंने अकेले नहीं किया, सही, मेरे ये सारे के सारे हज मैंने क़िबला शाह साहब के साथ किए। अरे वाह 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 वाह, हमारे सैयद मुजफ्फर हुसैन, मुजफ्फर हुसैन शाह साहब दामद हरकात, वो रंग भी तो चढ़ा है ना हाफिज साहब आपके ऊपर। हाफिज साहब सादात के अगर हमारा गुजारा है का? है ही नहीं, वाह है ही नहीं, ठीक है ना, वाह वाह वाह। अपना इश्क अरवाज ही जब अपना आती है उसमें अपना आगे जब किसी सैयद की निगाह हो जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वैसे आपने जो बात कही है ना मेरे भी यही जज्बात है, सुभान, इस इदारे के बाद स्पेशली सादात के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। शाह साहब आते हैं तो रौनक लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो देकर जाते हैं ना मैं आपको बता नहीं सकता। माशाल्लाह पाक क़िबला सैयदी मुजफ्फर हुसैन शाह साहब का साया आतिफत हम पर दराज फरमाए, आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, किन लोगों से जल्दी तंग आ जाते हैं हाफिज साहब? जो बहुत ज्यादा टो करते हैं, जो टो में लगे रहते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, एवं बिला वजह, लगे वगे कुछ नहीं, लगे वगे भी कुछ नहीं। अच्छा इधर भी जा रहे हैं, अच्छा क्यों जा रहे हैं, अच्छा किसने बुलाया, अच्छा कैसे हो गया, ओ शाबाशे, ये आपका काम है, आप सब्र रखें, अपनी बारी का इंतजार रखें, टाइम आएगा भाई आप भी चले जाओगे। वाह 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 वाह, जबरदस्त। क्योंकि कोई भी आदमी किसी भी जगह खुद से नहीं, आप इस सीट पर हैं आज, कोई अच्छा देखें लोग यूं देख रहे हैं, अच्छा अलहाज हाफिज आहिर कादरी है। मैं ये कहता हूँ ये ना देखो कि ये इस जगह पर है, ये
देखो कैसे है, तुम्हें ये जगह चाहिए, इस जगह पे आना है, तुम्हें बुलंदी चाहिए, इज्जत चाहिए, तो भाई वो टूल्स अपनाओ ना कि जो ये अपना कर इधर है। वाह 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 वाह, करना वरना कुछ नहीं, करना वरना कुछ नहीं। अच्छा फलाओ क्या भाई, ये हो गया भाई, वो ले भाई। अच्छा आपको ऐसे मैसेज आते हैं कि हजरत हमें सपोर्ट कर दें, हमें मतलब आप महफिलों में इंटर करवा दें और फुला महफिल में रखवा दें, इस तरह का आपको मैसेज आते हैं? हाफिज साहब मुझे आते हैं। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा आते हैं। अच्छा उनको कहो कुछ भेजो आप अपना पढ़ा हुआ, तो वो जो भेजते हैं। हाँ फिर हम कहते हैं सर हम क्या कर सकते हैं। हाफिज साहब आप ये देखिए ना, आप अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी महफिल नात में अलहाज हाफिज ताहिर कादरी का नाम है भाई, आप उसका सफर देख लें नात की जिंदगी का। ये नहीं हुआ कि हाफिज साहब अपना वो अभी अपना वो सो के उठे और डायरेक्ट उनको अपना वो किसी ने कहा सर आप जो है ना ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेज है, आप इधर आके जो है ना हमें नाच सुनाएं, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, एक टाइम पीरियड होता है, एक स्टेप। अगर कोई ये चाहे कि ना मैं पहली पढ़ूं ना दूसरी पढ़ूं ना तीसरी पढ़ूं ना चौथी पढ़ूं, डायरेक्ट मेरा एडमिशन मैट्रिक में हो जाए, अल्लाह हो। और अगर ना हो रहा हो तो वो ये कहे कि भाई टीचर का कसूर है, स्कूल अच्छी नहीं है। अल्लाह, तो भाई ऐसा नहीं होता। और स्टेप्स हैं तमाम बातों की एक बात, ये तो आपने एक दुनियावी एतबार से सफर बताया कि ये स्टेप्स होते हैं और हकीकत भी है ये बिल्कुल, लेकिन तमाम बातों की एक बात कि ये कोई फन गायकी थोड़ी है, ये कोई सिंगिंग थोड़ी कि आप बोले मतलब एक हम ये तरक्की है। तरक्की तो अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में अगर मकबूल हो जाए बंदा और वहां दिल से हाजिरी पेश कर दे, क्या कहते हैं साहब इस पर भी थोड़ा सा हमारे नात खानों को थोड़ा सा दर्ज देना, ताकि इनका माइंड चेंज हो कि यार हमने जिसको कामयाबी समझा हुआ है वो कामयाबी है भी कि नहीं। देखिए मैं न्यू जनरेशन जो हमारे सनाखा हैं, सबसे पहले मेरी उनके लिए, खैर मैं क्या नसीहत करूँगा, मैं तो खुद एक अपना एक तालिब इल्म हूँ, पर मेरा जितना एक जो एक्सपीरियंस है वो ये है, इल्म की जस्तुजू तो हर वक्त ही ज़िंदा रखें। बहुत अच्छी, सबसे पहली बात उलमा के जितना करीब हो सकते हैं करीब हों। बहुत अच्छे, स्टेज पर सिर्फ नाज शरीफ पढ़ने के लिए ना आए, उलमा के खिताबात भी सुनने के लिए आए। बहुत कमाल पैगाम है, ठीक है ना। वाह वाह वाह, उसको तवज्जो से सुने अपना, ठीक है ना। और हाफिज साहब शायद इससे बड़ा पैगाम मेरे पास ना हो, राग इधर उधर बल्ले हो जाए, अकीदा इधर उधर ना हो। क्या कहने, वाह 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 वाह, लह बिगड़ जाए हाँ। अकीदा ना बिगड़े, सुभान अल्लाह, सुर बिगड़ जाए अकीदा ना बिगड़े। अकीदा कब नहीं बिगड़ेगा, जब आपका दिल उलमा की तरफ झुकेगा। बहुत अच्छे, जब आपको इल्म दीन हासिल करने का शौक होगा। सुभान, फिर मैं आपको सही बता रहा हूँ, वल्लाह मैं इस पर मैं कसम उठा रहा हूँ, आप उलमा से प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें, इल्म दीन हासिल करने की जस्तजू आप अपने अंदर पैदा करें। बहुत अच्छे, आपकी नाज शरीफ के अंदर भी इखार आ जाएगा, आवाज के अंदर भी आ जाएगा, शख्सियत के अंदर भी आ जाएगा। यार बल्कि आखिरी बात, आप उलमा के करीब हो दुनिया आपके करीब हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं हाफिज साहब आप अब मशहूर हो गए ना। हाँ ये आप बातें कर रहे हैं। हाँ। अब आप मशहूर हो गए ना, अपने टाइम पे नहीं बातें वाली जहन में आई, अब आप मशहूर हो गए तो ऐसी बातें हमें मशवरे ऐसे दे रहे हैं आप, ये बातें भी करते हैं। अरे हाफिज साहब ये बातें इसलिए करते हैं क्योंकि शॉर्टकट चाहिए ना, जो हमसे सुनना चाह रहा है कोई शॉर्टकट, कोई ऐसी बात कर दो कि मैं जो है ना कल रात को हाफिज ताहिर कादरी बन जाऊं, कोई ऐसा फार्मूला बता दो। तो भाई ऐसा फार्मूला तो है ही नहीं, इसलिए कि जो खुद हाफिज ताहिर कादरी हैं वो भी किसी फार्मूले से तो बने नहीं है। अल्लाह, ठीक है ना, ये दुनिया है, इसमें सारी चीजें प्रैक्टिकल हैं अपना, ठीक है ना। वो जैसे इंसान जब दुनिया में आता है बिल्कुल इतना सा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है। तो इसी तरीके से हमारे जितने भी सनाखा हैं और आप हमें सारे ही अजीज हैं। अल्लाह अपना, ठीक है ना। और एक और बात मैं अर्ज कर दूं, किसी भी जो उम्र में छोटा है अगर उसको अपने बड़े का हसद आ जाए, बड़े का हसद आ जाए, रूहानियत की भी मौत है, उसकी तरक्की की भी मौत है, उसके सुकून की भी मौत है। अल्लाह हू अकबर। जिन पर अल्लाह ने फजल कर दिया है
वो जिन्हें इज्जतें अता कर दी हैं, कमाल बात कर रहे हैं वाफी साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, वो जिन पर अल्लाह ने फजल कर दिया है, वो जिन पर अल्लाह ने इनाम कर दिया है, उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें, इसलिए कि इज्जत वाला ही किसी की इज्जत करता है। और जब आप इज्जत करना शुरू होंगे तो खुद ब खुद इंशाल्लाह आपको भी इज्जतें मिलना शुरू हो जाएगी। वाह 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 वाह, सुभान हाफिज साहब। बस आखिरी दो तीन सवाल हैं जी हाफिज साहब। मुताले का शौक आप रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से मजामीन ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं आप? हाफिज साहब मुझे अब फिर वही बात आ गई, इसलिए कि मैंने वो अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सफर में अपना वो शाह साहब के साथ गुजारा है। अच्छा, उसमें सफर हज भी है, सफर हरमैन भी है, अपना इंग्लैंड है, यूरोप है, साउथ अफ्रीका है, दीगर अपना वो कंट्रीज हैं। तो उसमें ये होता था कि मैं कोशिश करता था, इसलिए कि अच्छा वो खैर शाह साहब का तो होता लिया ही हंसी है अल्लाह, पर मैं कोशिश करता था कि अपना वो शाह साहब की किताब उठा के मैं भी पढ़ लूँ। वाह, ठीक है ना। तो ज़्यादातर जो है वो मुझे सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के जो गज़वात के जो वाकयात हैं, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, ठीक है, वो मुझे पढ़ने का भी और सुनने का भी बहुत ज्यादा शौक, और वो तो सरासर इश्के मुस्तफा पर मबनी है। ओए होए 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 होए, अल्लाहू अकबर। यानी इश्के मुस्तफा का जाम पीना हो तो सहाबा कराम की जानिसारी वाले वाकयात पढ़ लें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा हाफिज साहब, दावत इस्लामी से हमें पता है आपकी बहुत पुरानी वाबस्तगी, अल्हम्दुलिल्लाह, और अमीर सुन्नत से आप बैत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कब बैत हुए, कब माहौल में आए, इसका भी कोई खास वाकया है या बस एक आम तरीके से आ गए थे आप? हाफिज साहब वो सब्ज मार्केट से उस वक्त अपना कोई या 6 साल उम्र होगी या 7 साल उम्र होगी अपना, ठीक है ना। और जब से वाइड लिबास था अपना, ग्रीन इमामा था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसके बाद उधर से ही हिफ्ज़ किया है, उधर से ही मैंने अपना वो कुछ साल मैंने दरस निज़ामे की किताबें पढ़ी हैं, आगाज ही से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आखिर में आप आईडीएस के हवाले से पूछूंगा कि आईडीएस का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा हाफिज साहब, वो रमज़ान शरीफ में एक ट्रांसमिशन जो आपने सजाई उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी हाज़िरी हुई, और अभी भी आज भी इस प्रोग्राम में हाज़िरी हुई है। मैं ये समझता हूँ कि इस दौरे पुरफितन में खुश अकीदगी फैलाने का एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म है ये, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और सेकंड ये है कि इसमें गाहे बगाहे जितने आपके सिलसिले आ रहे हैं ना, इसलिए कि हम भी मुस्तकिल फॉलो अप कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप ग्राउंड पे बैठे हैं, आपको पता है कि क्या सूरत हाल है इस वक्त यूनिवर्सल पूरी दुनिया में जी, तो आप जाहिर बात है आपकी बात बहुत अहम है मेरे लिए, मेरे इदारे के लिए जो आप कह रहे हैं जी। अच्छा हाफिज साहब, चूंकि आप जिन उलमाए हराम का आपने इंतखाब किया है ना, और जो आपकी दावत पर तशरीफ आते हैं, ये तो वो एथेंटिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अपना ठीक हो गया। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, एशिया नहीं, बर्रे आज़म अफ्रीका नहीं, बर्रे आज़म यूरोप ही नहीं, ठीक है ना, पूरी दुनिया में वो जितने भी गुलामान आला हजरत हैं, मैं पूरी दुनिया की बात, बहुत अच्छे, ठीक है ना, पूरी दुनिया में जितने भी गुलामान आला हजरत हैं वो इन उलमाए रब्बानी इनको सुनते हैं, ठीक है ना, इनको फॉलो अप करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से आपने ये इदारा कायम किया है तो एक मुकम्मल इज्तिमाई तौर पर अपना वो जितने अकायद के, अपना वो अखलाकियात के, वो जितने भी मौजूआत हैं, बुजुर्गों के अय्याम भी जो अय्याम आ रहे हैं, वो अय्याम अहले बैत हों, अय्याम सहाबा कराम हों, वाह वाह, और अपना अय्याम औलिया कामिलीन हों, सुभान अल्लाह। तो एक ऐसा इहाता हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से, और इतने मोतबर मुस्तनद और एक जय्यत और एक कामिल अपना उलमाए कराम के जरिए से जो पैगाम जो जा रहा है, बस इसी को कहते हैं हादा मिन फजली रब, सुभान अल्लाह सुभान। हाफिज साहब ये अल्लाह पाक का भी इनाम है कि अल्लाह पाक जिससे काम ले ले, इसलिए कि दौरे पुरफुतन है, और उसमें मेन जो वजह जो साबित हो रही है वो है ये मोबाइल। मैं आपके प्लेटफॉर्म से वो तमाम ही हाजरीन को एक अर्ज करना चाहता हूं, आप इधर उधर के क्लिप ना सुने, बहुत अच्छे फुला ये कहता है, फुला ये कहता है, ओ भाई आप जिस
असलक से ताल्लुक है ना आपका, वाह वाह, पहले उसकी तालीम पूरी ले लें। क्या कहने, पहले उसकी तालीम पूरी तो पूरी ले लें। एतराज आता क्यों है? क्योंकि अपना पता नहीं है, अपना पता नहीं है। आधी उसकी सुन ली, आधी उसकी सुन ली। अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये प्लेटफॉर्म आ गया है एक अपना, ठीक है ना, वो यूट्यूब हो, वो फेसबुक हो, वो इंस्टाग्राम हो, वो व्हाट्सअप हो, अपना वो सब जगह इसके क्लिप अपना वायरल हो रहे हैं, अपना ठीक हो गया ना। आप अहबाब से गुजारिश है कि इस प्लेटफॉर्म से एक तो ये ऑथेंटिक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इधर से जितने भी उलमा के क्लिप आ रहे हैं आप उन्हें सुने, इसलिए कि ये प्लेटफॉर्म खालिसतन अपना अकीदे की तरवीज के लिए है, अखलाक में हमारे एक दुरुस्तगी आए, हमारी इबादात अपना वो ठीक हो, हमारे मामलात जिंदगी ठीक हो। वा, वा, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, अल्लाह रसूल की रजा के लिए है। मैं हाफिज साहब आपको खास तौर पे बिल्कुल अगर किसी अलमाकारी के, अल्लाह, अगर किसी दिखावे के ना, आपकी खुशामद के लिए मैं आपको सल्यूट करता हूँ। अल्लाह, और मेरी दुआ है कि ये सिलसिला अल्लाह पाक आपकी असलों के अंदर भी जारी फरमाए और ये जज्बा इसी तरह जारी और सारी ही रहे। अल्लाह भाई खलास की दौलत से आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। जिस काम का आगाज इखलास की नियत से होता है ना, फिर आगे उसमें तरक्की ही तरक्की ही तरक्की ही तरक्की ही तरक्की होती है। बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हासिदीन के हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, और दिन 11वीं रात 12वीं आपको, आपके इस इदारे को, आपकी सारी टीम को अल्लाह ताला अपना उरूज अता फरमाए। जज़ाकअल्लाह खैर हाफिज़ साहब, मैं बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक तो हमारे इदारे को इतनी दुआओं से नवाजा, मुझे भी दुआओं से नवाजा, और इतनी प्यारी आपने गुफ्तगू की। और नाज़रीन कराम को मैं बताऊँ कि हमारे किसी भी प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि तामीरी गुफ्तगू की जाए, यानी उससे उसका कुछ हासिल हो। मतलब हम यहाँ गप्पे मारने के लिए या व्यूज़ के लिए या इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बैठे। हमारी जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात यहाँ तशरीफ़ लाती हैं, चाहे वो नातखा हों, चाहे वो उलमा हों या दीगर मारूफ समाजी शख्सियात हों, इरादा नीयत यही होती है कि ये यहाँ तक पहुँचे हैं तो ज़ाहिर बात है कि इनकी जो जर्नी है उससे हम सीखें। भाई ज़रूरी नहीं है कि बंदा हर मरतबा ठोकर खा के ही सीखे। कोई बंदा ये आकर बताए कि मुझे इस मामले में ठोकर मिली तो उसके उसके तजुर्बात से भी हम फायदा उठा सकते हैं। जरूरी बंदा ठोकर खाकर ही फिर वो सही होगा। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पर अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल हूँ कि लोगों के तजुर्बात से फायदा उठाकर अपनी जिंदगी को जो दौरे हाजिर के तकाजे हैं उसको सामने रखते हुए शरीयत के मुताबिक किस तरह गुजारना चाहिए उसको तरतीब दिया जाए। और सीधी बात अगर मुख्तसर एक जुमले में कहूँ कि अमीर सुन्नत ने, मेरे मुर्शिद ने जो मदनी मकसद दिया है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इस पर अमल करने के लिए जो जो इल्म ज़रूरी है, जो जो मामला ज़रूरी हैं, उन तमाम को सीखे, उसको समझे। जैसे कि हाफिज़ साहब ने कहा कि भाई जब अपने सामान का पता होगा तो हिफाजत करेंगे ना। बिल्कुल, जब अपने सामान का ही नहीं पता, अपने अकीदे का ही नहीं पता तो हिफाजत कैसे करेंगे? तो प्रोटेक्शन तभी हो सकती है कि जब अपने सामान का पता हो। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस नशिस्त को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, को गलती कोताही हो गई अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हाफिज साहब। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, तब मैं ज्यादा अदा करूंगा कि जब आप हमारी इस ट्रांसमिशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स में सुभानअल्लाह माशाल्लाह कहेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि आप जरूर इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।